हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नौकरी शेयर के ऊपर, जिसको हम लोग इन्फो एज के भी नाम से जानते हैं। इन डिटेल में हम लोग यहां पे एनालिसिस करेंगे, ये भी बताएंगे जो अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, किस लेवल पे हम लोगों को फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, क्या हम लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक एक करके सभी बातों पर डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं नौकरी शेयर के ऊपर। अगर इस स्टॉक के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो क्लियरली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल ही यहाँ पे आपको इमीडिएटली जो है यहाँ पे स्टॉक एक अच्छे डाउन ट्रेंड में है। इसमें जो है हम लोग कहीं पे डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक रिवर्सल नहीं आया है। डेली टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल जरूर आया था, बट वहां पे जो है क्लियरली स्टॉक वापस से उस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी स्टॉक यहाँ पे आपको निगेटिव ही शो हो रहा है, अभी भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। तो यहाँ पे हम लोगों को फ्रेश पोजिशन कहाँ पे बनाना है, तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट पे। अगर हम लोग वीकली चार्ट पे बात करेंगे, एक बहुत ही आपको काफी टाइम से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था ये स्टॉक, और ये ट्रेंड लाइन था आपको यहाँ पे जिसका कि ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था जुलाई के मंथ में। इस लेवल के ऊपर जो है स्टॉक ने आके ट्रेड करना स्टार्ट किया था, वापस से जो है स्टॉक आपको रेसिस्टेंस फेस किया समवेयर अराउंड 4600 to 5000। इस रेंज में जो है आपको काफी अच्छा इस स्टॉक के लिए रेसिस्टेंस जोन है, और यहीं से जो है इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा रेसिस्टेंस देखने को मिला। स्टॉक में अगर हम लोग बात करें इमीडिएट सपोर्ट की, तो इमीडिएट सपोर्ट है आपको 3400 का लेवल, 3300-3400 का लेवल, जहां पे कि स्टॉक ने प्रीवियसली यहाँ पे इस लेवल के अराउंड सपोर्ट लिया था। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे दो पॉसिबल सिनेरियो है, आप ध्यान से सुनिएगा तभी आपके लिए जो है ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ पे अगर स्टॉक इस स्विंग लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, 3300 के लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, स्टॉक में हम लोगों को बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉक 3300 के लेवल को डिफेंड कर लेता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे अपने पोजीशन को ऐड करने के लिए देख सकते हैं, जहाँ पे कि हम लोगों का टारगेट रहेगा 5000 का। और अगर 5000 का लेवल यहाँ पे क्रॉस हो जाता है, तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को वापस से जो है 7000-8000 का लेवल देखने को मिलेगा। तो इसलिए अभी अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा जो स्टॉक में गिरावट हो गया है यहाँ पे हम लोगों को बना लेना चाहिए, तो अभी आपको नहीं बनाना है। अगर यहाँ पे पोजीशन बनाना भी है तो 3300-3400 के लेवल के अराउंड अगर एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है तो फिर हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, जैसा कि हम लोगों को यहाँ पे मिला था। इस केस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4000 के लेवल के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था कंसोलिडेशन के बाद, जहाँ पे कि मैंने आपको बताया भी था जो स्टॉक जो है 5000 के लेवल तक जा सकता है, लेकिन ये 5000 के लेवल तक नहीं गया, 4600 के लेवल से रिटर्न हो गया। वापस से अगर देखेंगे तो अगेन इसी लेवल के अराउंड सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पे आपको वापस से एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल दिखता है, बाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपका टारगेट 5000 का होगा। लेकिन अगर 5000 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को 7000-8000 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर 3300 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक हो जाता है, तो फिर हम लोगों को 2000 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी लेवल जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।